खैलांजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंडकेपार और चीचोली के बीच में नदी किनारे जंगल में लापता व्यक्ति का शव छत विछत हालत में बुधवार को पुलिस ने बरामद किया, जिसकी सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई, जिसमें पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर जांच की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चीचोली निवासी मनोहर दमाहे के तीन पुत्र गौरीशंकर दमाहे, मृतक दुर्गेश दमाहे, पीयूष दमाहे व एक लड़की छाया दमाहे, जिसमें गौरीशंकर दमाहे और लड़की छाया दमाहे की शादी हो चुकी है और सभी साथ में रहते। इसी बीच किन्हीं कारणों से 19 दिसंबर को चिचोली निवासी 23 वर्षीय दुर्गेश दमाहे अचानक घर से लापता हो गया था, जिसके घर वालों ने आस पड़ोस व ग्राम और रिश्तेदारी में काफी पतासाजी की, किंतु कहीं भी उसका पता न चलने पर परिजनों ने खैलांजी थाने में पहुंचकर 20 दिसंबर को दुर्गेश दमाहे के कहीं चले जाने की सूचना दी, जिस पर पुलिस के द्वारा गुम इंसान दर्ज कर जांच में लिया गया, जिसके बाद कोई ग्रामीण जंगल की ओर गया था। उसके द्वारा व्यक्ति का छत विछत शव देखकर उसकी जानकारी ग्रामीणों सहित पुलिस को दी गई, जिस पर खैलांजी पुलिस मौके पर पहुंची तो उसने देखा कि छत विछत हालात में नदी किनारे जंगल की झाड़ियों में एक शव पड़ा हुआ है, जिसका एक हाथ गायब है, दूसरे हाथ का पंजा भी गायब है, छाती के ऊपर का हिस्सा एवं सर भी गायब है, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर मौका पंचनामा तैयार किया गया। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, जिस पर FSL बालाघाट की टीम मौके पर पहुंची, जिसने सूक्ष्मता से घटनास्थल, बॉडी व आसपास की जांच की और जरूरी साक्ष्य जुटाए गए। इसी दौरान सूचना लगने पर मनोहर दमाहे का परिवार भी पहुंचा, जिन्होंने चप्पल व कपड़े के ऊपर से अपने पुत्र की पहचान की, जिस पर पुलिस के द्वारा आवश्यक पंचनामा कार्रवाई कर शव को खैलांजी के पोस्टमार्टम गृह लाया गया, जहाँ पर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जाँच में लिया है, जिसमें पुलिस के द्वारा स्पष्ट कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। उनके द्वारा प्रथम दृष्टया के तौर पर हत्या, आत्महत्या या किसी हिंसक प्राणी के द्वारा शिकार की संभावना लगाई जा रही है। पिंड के पार में जो है नदी किनारे एक शव होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर जो है कार्रवाई की गई। मौके पर उपस्थित लोगों द्वारा जो है उसके कपड़े और चप्पल को देखते हुए जो है दुर्गेश के नाम से पहचान की गई है। ये रहने वाला कहाँ का था सर? ये ग्राम चिचोली का रहने वाला है और ये जो है दुर्गेश 19 तारीख से जो है घर से बिना बताए चला गया था, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने की थी, जिसके आधार पर जो है गुम इंसान अपने थाने में दर्ज है। सर थाने में ना सर कोई हत्या वत्या का ऐसा कुछ लग रहा है आपको? प्रथम जो है शव जो है डिकम्पोस्ट अवस्था में है, तो अभी इस समय में कुछ नहीं कहा जा सकता। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद में आगे क्या होता है सर? परिवार वालों ने कुछ सच्चाई की सर? परिवार वालों द्वारा अभी किसी प्रकार कोई शंका नहीं है। सर ये रहने वाला कहाँ था और इसका शव कहाँ मिला है? ये रहने वाला जो है ग्राम चिचोली का है और शव जो है ग्राम चिचोली के नदी के किनारे पिंडे के पार और चिचोली के बीच में मिला है, गाँव के पास में मिला है। सर जैसे उसका अभी सिर नहीं मिल पाया है तो इसमें क्या लग रहा है सर? अभी सिर का जबड़ा मिला है उसका, तो जबड़ा जिस अवस्था में मिला है उससे ये प्रतीत हो रहा है कि किसी जंगली जानवर द्वारा जो है उसको खाया गया है।